मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज सावन के चौथे सोमवार पर भगवान महाकाल के दरबार में शीश नवाने पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी भगवान से कामना की। उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की है ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में पूजन अभिषेक करने पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। उमा भारती लगातार सावन के सभी सोमवार पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रही है। इसी क्रम में आज भी वे बाबा के दर्शन करने पहुंची। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राम मंदिर शिलान्यास के दौरान उन्होंने किसी से नहीं बुलाया, यह नहीं बुलाया, यह पूछना छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी यह घटना है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसी के चलते उन्हें सबसे ज्यादा हर्ष है कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उमा भारती ने कहा कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल यही है कि मैं इसमें शामिल रही और जल्द शिलान्यास होने जा रहा है, मेरे साथ जन्म धन्य हो गए हैं। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि वह राम राज्य स्थापित करे और अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करे। अमीरी गरीबी का जब पर खत्म होगा तब ही राम राज्य स्थापित हो पाएगा। हमने देखा कि मजदूर भूखे मरे, ट्रेनों के नीचे आकर कट गए और कई मीलों तक पैदल चले, लेकिन दूसरी ओर अमीरों के कुत्तों ने फ्लाइट में यात्रा की, उनके लिए अलग से फ्लाइट बुक की गई। जब तक अमीरों और गरीबों के बीच की एक खाई नहीं पड़ेगी तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। उमा भारती ने बताया कि 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में शिलान्यास करें और वहां जरूर पहुंचे, इस हेतु उन्होंने बाबा महाकाल से कामना की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ भगवान का अलग से अभिषेक पूजन भी किया। क्या स्वरूप रहेगा, क्या स्वरूप है और क्या? बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग, श्रावण मास चतुर्थ सोमवार बाबा महाकाल की जो सवारी है पूरी आन बान शान के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल शिप्रा पे पूजन पाठ के बाद पुनः बाबा महाकाल मंदिर के अंदर आएंगे। बाबा महाकाल की जो सवारी है उसकी लीला परम्पार है। इसके अंदर प्रति वर्ष जो सवारी का जो क्रम होता है, प्रति कर्म के अनुसार हर क्रम के अंदर सवारी का स्वरूप बढ़ता चला जाता है, किंतु कोरोना महामारी के द्वारा और स्थिति बिगड़ने के कारण मंदिर समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया इसमें मन महेश और चंद्र मौलेश्वर स्वरूप में ही बाबा महाकाल भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं, भक्त लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय महाकाल। उमा जी, एक सवाल और इससे जुड़ा है, आप नदियों के उद्धार के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है, अभी यहाँ उज्जैन में शिप्रा है और गंगा की भी स्थिति है, क्या लगता है जो देश की जो पवित्र नदियाँ हैं, जो जिसमें कोई मोक्षदायिनी है, कोई पापनाशिनी है और कोई भक्तिदायिनी है, कैसे देखते हो कि कहीं ना कहीं एक आपका भाव भी जुड़ा रहा है उससे? आप क्यों चाहते हैं कि सरकारें ही ये काम करें? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो गंगा के बारे में भी बोलती थी कि हमारा काम यह है कि हम जो इंडस्ट्रीज ने गंदगी डाली है उसको ठीक करें। और पहली बात तो है कि देश में इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उसका कारण क्या है, और वो भूमिहीन लोग हैं या वो कम भूमि वाले लोग हैं, तो उसके पीछे तो पूरे 72 साल की गाथा है जिसमें उनके दादा को जवाब देना है, परदादा को, फिर दादी को, उनके पिता को और खुद उनको, मनमोहन सिंह को, नरसिंह राव की सरकार को जवाब देना है कि इतनी बड़ी संख्या में फिर भी लोग मजदूरी करते रह गए। तो इसलिए उनको तो इस पर बोलने का अधिकार, उनको बिल्कुल चुप रहना चाहिए इस मामले में। अब जो दूसरी बात आपने कही कि पहले से घोषित किया, तो वैसे ही है जैसे कह रहे थे डिमोनेटाइजेशन से पहले बता देना चाहिए था, यानी उनके दोस्त लोग थे जिनको पैसा छुपाना था। अब जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, बात स्थितियाँ स्पष्ट दिख रही थी और इसलिए जो भी निर्णय हुआ वो उचित हुआ है, सही हुआ। अब इसको भी आप देखिए कि मोदी जी ने कहा घंटा बजाओ, तो कैसे देशवासियों ने स्वीकार किया? मोदी जी ने कहा डिमोनेटाइजेशन होगा, देशवासियों ने कैसे स्वीकार किया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देशवासियों ने कैसे स्वीकार किया? अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, राहुल गांधी को और भी कुछ कांग्रेस के अन्य हमारे जो विरोधी नेता हैं उनको, कि हे भगवान सब कुछ शांति से ही होता जा रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि इसमें कुछ गलती निकालो, कहीं से भी कुछ ना कुछ तो निकालो, कुछ तो निकालो हल्की फुल्की ही सही। ऐसे कैसे हो गया कि निर्विघ्न संपन्न होता जा रहा है सब कुछ, 370 भी हट गई, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न होता जा रहा है। इसलिए विघ्न संतोषी लोग हैं ये, जो छोटा मोटा विघ्न भी खड़ा करके इनको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति से दरकिनार कर देना चाहिए। किनारे पे लग चुके हैं, थोड़ा और कसर रहेगी वो पूरी कर देंगे अगली बार। ये लोकल को वोकल की बात कही जा रही है, अब जैसे राखी का त्यौहार भी आ रहा है, एक बहन की तरह आपने भी देखा है, आने वाले समय में हमारे यहाँ देखने में आता था कि भगवान गणेश से लेकर हमारे देवी देवता भी चाइना में बनकर आते थे,
अब क्या लगता है आने वाले भारत की सूरत कैसी देखती है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है चाइनीज वस्तुओं का बिल्कुल बहिष्कार करें, और हमारे देश में तो बहुत प्रतिभा है साहब, बहुत, और इसी से रोजगार निकले थे, हर चीज़ में रोजगार था। अगर मैं आपको बताऊँ हर चीज़ रोजगार से, हमारे यहाँ आस्था, रोजगार, विज्ञान, प्रकृति, पर्यावरण।